नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जैसे ही पंचायत चुनावों की घोषणा की गई, बहेर के ग्रामीण इलाकों में हलचल तेज हो गई है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अपना अपना चुनावी गणित बनाने में लग गए हैं। पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत का दौर बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टी भी अपने अपने जनप्रतिनिधियों की खोज में लग चुके हैं। वहीं आज बहेर विद्युत मंडल में हजारों लोग लाइन पर खड़े हैं ताकि शासन के आदेशानुसार एनओसी मिल जाए और वो चुनाव में भाग ले सके, क्योंकि बिना विद्युत मंडल एनओसी के आप किसी भी चुनाव का फॉर्म नहीं भर सकते। वहीं बहेर अधिवक्ताओं के पास सिर्फ एक ही काम हो रहा है, चुनावों के फॉर्म भरना। वहीं चुनाव के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 20 बताई जा रही है। आखिर इतने कम समय में विद्युत मंडल की एनओसी लेना, अपनी जमीन का नक्शा खसरा और शासन के अन्य आदेशों का पालन नहीं हो पाने के कारण कई फॉर्म कैंसिल न हो जाए, इसी डर के कारण अनेकों लोगों ने बहेर में ही अपना डेरा डाल दिया है। बाजारों में भी चहल पहल देखी जा रही है।